मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया जो छात्र के वेश में स्कूली बैग में शराब की डिलीवरी कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि ये तीनों शराब लेकर डिलीवरी के लिए निकल रहे हैं। थानेदार रवि गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने सिविल ड्रेस में इनका पीछा किया और अघोरिया बाजार चौक पर इनकी डिलीवरी के समय इन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान तीनों के बैग से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चंदवारा सोडा गोदाम चौक के शमी सिंह गोलू, चंदवारा महावीर पीठ रोड के संतोष कुमार और छिट भगवतीपुर के शिवा कुमार के रूप में की गई है। ये आरोपी यूपी से शराब लाकर डिलीवरी करते थे और फोन से ऑर्डर लेकर आधे घंटे में शराब पहुंचा देते थे। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल डिटेल से और भी लोगों की पहचान की है जिनकी तलाश जारी है। इतना भयानक कार्रवाई करते हैं, बताते भी हैं। शराब पकड़ी गई है जिसमें तीन कारोबारी अरेस्ट हुआ है। करीब 50 लीटर के करीब में शराब बरामद किया गया है। अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। कहाँ से ये शराब पकड़े गए? ये अघोरिया बाजार चौक के अगल बगल से पकड़े। कैसे ये लोग लेके आ रहे हैं? ये बैग में लेके जा रहा था सर। कारोबारी है, शराब इधर से उधर करने वाला है सर। कहाँ के ये लोग? ये लोग चंदवाड़ा साइड का टाउन थाना क्षेत्र के ही तीनों रहने वाले हैं। चंदवाड़ा साइड का छोटा गोदाम के अगल बगल के रहने वाले हैं। आगे कार्रवाई की जा रही है। ये लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।